Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of AdvoXcel Education. Today we are going to start a new MCQ HPGK series, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो सोसाइटी एंड कल्चर के जो MCQ questions हैं HPPSC के वेरियस एग्जाम्स में जो पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं, तो उनको एक बार डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की सीरीज इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 300 इन ज्योग्राफी, मोर देन 300 इन हिस्ट्री जो है क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस सेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। देखिए, चार स्टेटमेंट्स गिवन है। द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपाज इज नोन एज शुजमचुंगी। ठीक है, कि जो ट्रेडिशनल काउंसिल है, जो कम्युनिटी काउंसिल है खामपाज की, उसको क्या कहते हैं? शुजमचुंगी कहते हैं। उसके अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दैट इज द कॉमन टर्म फॉर विडो रिमैरिज यूज बाय पंगवाज इज दोगरी। जो पंगवाल्स जो विडो रिमैरिज के लिए एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दोगरी। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, द बुशहर स्टेट इज ऑल्सो नोन एज माउन और मोने। ठीक है, माउन और मोने के नाम से भी बुशहर को जाना जाता है। एंड चौथी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नर ट्रेसिस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, तो इसमें से बोला गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है। ठीक है, तो देखिए कि जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। इस स्टेटमेंट वी आर गिवन दैट द विडो रिमैरिज इन पंगवाल इज नोन एज डोगरी। इट इज एक्चुअली टोपी लाना इज अ फॉर्म ऑफ विडो रिमैरिज इन पंगवाल। सो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऑल ऑफ दीज में भी सेकंड स्टेटमेंट है। तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास बचती है, दैट इज 1, 3 एंड 4। शुजमचुंगी इज द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपाज, बिल्कुल एक्जैक्टली। बुशहर स्टेट को माउन या मोने कहा जाता था, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लद्दाख में इसको ये बोला जाता है। उसके अलावा भगवत पुराण के अकॉर्डिंग किन्नर जो ट्राइब है, दे ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, वहां से अपना ओरिजिन वो मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थुप्पा इज अ मेन ट्रेडिशनल डिश ऑफ लाहौल वैली, इज प्रिपेयर्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग। ठीक है ना, लाहौल वैली में जो थुप्पा जो बनाया जाता है, तो वो किस सीजन में जो है उसको बनाया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे है, ये बड़ा स्टैटिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी समर सीजन, ऑप्शन डी वेडिंग सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, समर सीजन, गर्मियों के समय में इसको बनाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? लाहौल में। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, वट आर द खाम्पा पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन ऑफ HP। ठीक है ना, जो खाम्पा जो ट्राइब है उनको चंबा में किस नाम से जानते हैं? चार ऑप्शंस गिवन है, नियोंडी खाम्पा, गार्जा खाम्पा, थावा खाम्पा एंड नेखोर खाम्पा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नियोंडी खाम्पा आपको बोला, इसको इनको बोला जाता है कुल्लू में, तो ए ऑप्शन तो नहीं है ऑब्वियसली। गार्जा खाम्पा की बात करें तो ये बोला जाता है लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया थावा खाम्पा, तो ये इसका सही आंसर होगा। थावा खाम्पा इज द नेम फॉर खाम्पाज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज थावा खाम्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन, हु वर द अर्लीस्ट नोन इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट। ठीक है, जो हिमालयाज में रहने वाले सबसे पहले जो इंडो आर्यन थे, वो इनमें से ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग कौन है? तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, खशाज, किराट्स, नागाज एंड किन्नर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन ए, खशास। ठीक है, तो दे आर द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ इंडो आर्यंस विच आर सेटल्ड इन हिमालयस। ठीक है, तो खशास ऑप्शन ए जो है इसका, एक एंशियंट ट्राइब भी हम खशास पढ़ते हैं, तो वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मुंद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन। ठीक है ना, हाइपरगैमस यूनियन ऑफ, इनमें से किस ट्राइब की जो है, जो हाइपरगैमस यूनियन है उससे जो जो बच्चे हैं उनको मुंद्रो एंड गारू कहा जाता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन ए स्वांगला, ऑप्शन बी गद्दीज, ऑप्शन सी खाम्पाज एंड ऑप्शन डी गुज्जर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज स्वांगला। स्वांगला ट्राइब जो कि पट्टन वैली है लाहौल एंड स्पीति में, वहां पे रहती है, लाहौल में पर्टिकुलरली। तो वो जो है इसका सही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए, स्वांगला ट्राइब। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इज इन सिक्किम। इन सिक्किम आना था, यहां इस सिक्किम लिखा हुआ है। कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ HP। ठीक है, सिक्किम की एक मैरिज यहां पे मेंशन करी गई है, दैट इज कंचन। तो इस तरह की एक सिमिलर मैरिज जो है
हिमाचल में भी देखने को मिलती है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैरिज फॉर्म जो है इट इज सिमिलर टू द कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम। ये क्वेश्चन जो है एचएस में पूछा गया था आज से 3-4 साल पहले, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए दमचल शीश, ठीक है, ऑप्शन बी दरोज डब डब, ऑप्शन सी बट्टा सक्का एंड ऑप्शन डी छेती। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज दरोज डब डब। इट इज अ मैरिज कस्टम, ठीक है ना, इट इज बेसिकली अ मैरिज बाय कैप्चर, ठीक है। और ये किन्नर ट्राइब जो है हमारा हिमाचल में जो मिलती है, किन्नर ट्राइब उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो इट इज सिमिलर, समवट सिमिलर टू द कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज दैट इज इन दैट इज प्रेवलेंट इन द सिक्किम स्टेट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी द रोस्ट ऑफ डम। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम यहां पे बात करें, विच ट्राइब लिविंग अलोंग चंद्रभागा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी ट्राइब जो है चंद्रभागा में, जो कि लाहौल स्पीति में है, उस वैली में या उस रीजन में रहती है। तो पहली बात है चंद्रभागा जो रीजन है इट इज ऑल्सो नोन एज पट्टन वैली, ठीक है, या लाहौल वैली भी इसको कहते हैं, ठीक है, जहां से चंद्रभागा या चेनाब रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो पूछा गया है कि कौन सी ट्राइब इस रीजन में जो है वो रहती है। तो देखिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वांगला, ऑप्शन बी गद्दी, ऑप्शन सी कुनू खांपा एंड ऑप्शन डी न्योंडी खांपा। तो खांपा ट्राइब तो ऑब्वियसली यहाँ पे पट्टन वैली में नहीं मिलेगी आपको। गद्दी जो है दे आर द नेटिव्स ऑफ भरमौर, मोस्टली कांगड़ा और चंबा में मिलेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन बचता है स्वांगला, स्वांगलाज आर द नेटिव्स ऑफ पट्टन वैली या चंद्रभागा वाला जो रीजन है उस रीजन में ये रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज स्वांगला ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अकॉर्डिंग टू द फेमस फिलोलॉजिस्ट ग्रियर्सन वर द अर्लीस्ट नोन इंडो आर्यंस ऑफ द हिमालयन ट्रैक्ट। अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, ये हमने अभी डिस्कस करा। क्वेश्चन नंबर 9, चोला एंड डोरा आर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ट्राइब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चोला एंड डोरा जो है वो पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। पहली चीज तो ये है आपको पता होना चाहिए चोला एंड डोरा, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि वट आर दीज ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स, ठीक है, या कोई कस्टम्स हैं, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ मेंशन है कि दीज आर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, पूछा गया है किस ट्राइब से जो है ये रिलेटेड है, किस ट्राइब में जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गद्दी ट्राइब, ठीक है। गद्दी ट्राइब की ये जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं चोला एंड डोरा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई हैं, इन लिस्ट को आपको मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट वन कहती है, यहाँ पे चार ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं और आगे ये चार जो हैं दीज आर कस्टम्स, पर्टिकुलरली मैरिज कस्टम्स जो हैं ये वो हैं। तो कौन कौन सी ट्राइब में कौन कौन सी मैरिज यहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ पे पिट चूक या चोरी की बात करें तो इट इज पांगी वैली में रहती है पंगवाल ट्राइब, ठीक है। उसके अलावा झंझरारा यहाँ पे देखिए एक है, ये आसान है, इट इज गद्दी, ठीक है। फिर यहाँ पे खांपाज का ये देखिए सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, खांपाज में देर इज अ मैरिज कस्टम कॉल्ड पख्तुम, ठीक है। फिर एक यहाँ पे बच जाता है दैट इज रुस्ता ते बिहा, इट इज रिलेटेड टू द वन दैट इज लेफ्ट विच इज स्वांगला ट्राइब, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये सारे जो है मैरिज कस्टम है इन इन ट्राइब्स में, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, मैच हमने यहाँ पे ये कर लिए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चार स्टेटमेंट्स गिवन है, द गद्दी पीपल फॉलो द मैट्रियार्कल टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, एक स्टेटमेंट। दूसरी द गद्दी वुमन कीप देयर हेयर लॉन्ग एंड लव ज्वेलरी। सेकंड द गद्दी ट्राइब यूज्ड टू बरी देयर डेड। थर्ड एंड फोर्थ इज गद्दीज डू नॉट मैरी इन देयर ओन ब्रदरहुड, ठीक है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बोली गई है, ट्रू बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक दो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली गद्दी वुमन दे वोर अ लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, ठीक है, तो दे ऑल्सो लाइक लॉन्ग हेयर एंड ज्वेलरी, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट दो ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ में अगर बात करें कि गद्दी ट्राइब यूज टू बरी देयर डेड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथी स्टेटमेंट जो है इसकी कि जो गद्दी ट्राइब है वो अपने जो ब्रदरहुड है, जो रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें जो है शादी नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसकी फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है वो ठीक है। तो इस तरह से सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज रॉन्ग, मैट्रियार्कल नहीं पैट्रियार्कल सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है गद्दीज में। तो सेकंड एंड फोर्थ का ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज 2 एंड 4 ओनली,
तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय गद्दीज इन एचपी। ठीक है, तो गद्दी फेस्टिवल की यहाँ पे बात करेगी, इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है गद्दीज द्वारा मनाया जाता है, शांत, भोज, नवाला एंड भुंडा फेस्टिवल। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज नवाला फेस्टिवल। ठीक है, नवाला फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ फेस्टिवल दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय गद्दीज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी जो होगा इसका वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज द प्रिंसिपल गॉड ऑफ गद्दीज। तो ये भी बड़ी सिमिलर सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी, गद्दीज आर शैवाइट इन फेथ, लॉर्ड शिवा को जो है वो पूजते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक वहां पे डेस्टिनेशन है भरमौर में, दैट इज मणि महेश टेम्पल विच इज अ शिवा टेम्पल, तो गद्दीज वहां पे जो है विजिट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज पंगवाल दोगरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किन्नर और किनौरा जनिकांग, ठीक है, दोगरी इज अ मैरिज कस्टम, जनिकांग इज ऑल्सो अ मैरिज कस्टम, और किन्नर्स में जो किन्नर ट्राइब है या जो किनौरा ट्राइब है अभी उसमें जो है ये देखने को मिलता है। गद्दीज में बट्टा सट्टा मैरिज बाय एक्सचेंज इन गद्दी ट्राइब, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, स्वांगला झंझरारा, झंझरारा इज अ मैरिज कस्टम इन द गद्दी ट्राइब, ठीक है, नॉट इन स्वांगला ट्राइब। तो इसका जो सही आंसर होगा विच इज नॉट ट्रू दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज स्वांगला एंड झंझरारा। ठीक है, झंझरारा इज अ मैरिज फॉर्म इन गद्दी ट्राइब। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भेंट एंड बिहागरा फोक सॉन्ग्स आर। ठीक है, कि भेंट एंड बिहागरा जो फोक सॉन्ग्स हैं वो किस तरह के फोक सॉन्ग्स हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट आ गया रिलीजियस सॉन्ग, तो देखिए भेंट से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये रिलीजियस सॉन्ग है, तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तो भेंट एंड बिहागरा आर द रिलीजियस सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो हिमाचल प्रदेश की जाट ट्राइब है वो इनमें से किस रीजन के जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, किस रिलीजन के जो हैं फॉलोअर्स हैं, सॉरी रीजन कह रहा हूं मैं, किस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं। तो पहली बात है जाट ट्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाट ट्राइब आपको देखने को मिलेगी पांगी वैली में, पांगी वैली जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की वहां पे, एंड जाट आर बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्धिस्ट जो है रिलीजन वो फॉलो करते हैं जाट्स, और कहां पे मिलती है पांगी वैली में, तो ये दो चीजें इनके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच कम्युनिटी हैज बीन मेंशन्ड बाय जस्टिस टेकचंद फॉर इट्स हाई सेंस ऑफ सर्विस डिग्निटी एंड ड्यूटी। ठीक है, किस कम्युनिटी को जो है जस्टिस टेकचंद ने उनकी हाई सेंस ऑफ सर्विस डिग्निटी और ड्यूटी के लिए जो है मेंशन करा था। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, घिरत, सूद, गद्दीज एंड तरखंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी घिरत। ठीक है, घिरत जो है एक कम्युनिटी है इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दे हैव बीन मेंशन्ड बाय जस्टिस टेकचंद फॉर देयर हाई सेंस ऑफ सर्विस डिग्निटी एंड ड्यूटी। तो ये जो है इसका घेरत सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो दिस क्वेश्चन इज, हु आर द घेरत्स ऑफ कांगड़ा रीजन। ठीक है, तो दीज आर फार्मर्स। ठीक है, अगेन इसी से एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये लोग कौन है, दीज आर फार्मर्स, शेफर्ड्स नहीं, वीवर्स नहीं, ट्रेडर्स नहीं, सूद्स आर ट्रेडर्स। ठीक है, सूद्स अगर यहां पे पूछते, सूद जो कम्युनिटी है तो दे आर ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किन्नौर। इनमें से कौन सा जो है किन्नौर से रिलेटेड नहीं है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज माउन, माउन इज द नेम ऑफ किन्नौर और द बुशहर इन लद्दाख रीजन। खुनु, खुनु इज द अगेन द नेम ऑफ किन्नौर एंड बुशहर इन द लद्दाख, एंड अदर वन इज तिब्बत, तिब्बत में बोला जाता है उसको। खाम, देखिए यहाँ पे खाम जो है इसका सही आंसर होगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू खाम जो है नाम नहीं है किन्नौर का कहीं भी। कुरपा इज ऑल्सो नेम, अदर नेम फॉर किन्नौर, खाम इज नॉट द टर्म दैट इज रिलेटेड टू किन्नौर। इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, खाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैनो झंझरारा एंड दमचल शीश। ठीक है, तीन चीजें हैं, प्रैनो झंझरारा एंड दमचल शीश, और एक यहाँ पे और लिखा हुआ है डोगरी। आर द टाइप्स ऑफ वट अमंगस द ट्राइब्स ऑफ एचपी। ठीक है, तो ये उस तरह से पूछ लिया गया क्वेश्चन जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। प्रैनो, झंझरारा, दमचल शीश और डोगरी, ये क्या है हिमाचल में, किस तरह के कस्टम्स हैं ये। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, डिवोर्स कस्टम्स हैं, मैरिज कस्टम्स हैं, बर्थ सेरेमनीज हैं, या डेथ कस्टम्स हैं हिमाचल में। तो ऑब्वियसली अभी हमने बड़ी देर से इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं हम बहुत सारे। तो डोगरी से देखिए, ये यहाँ पे डोगरी है, दमचल शीश है, झंझरारा है, प्रैनो है, ये अलग अलग तरह के मैरिज कस्टम्स हैं अमंग द डिफरेंट ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज
मैरिज कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस द सरनेम्स लाइक काल्टा, टेक्टा, गांगटा, ठीक है, झाटा गिवन इन द सम पार्ट्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये जो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, सरनेम्स लिखे हुए हैं, काल्टा, टेक्टा, गांगटा, झाटा, तो ये किस बेसिस पे जो है अडॉप्ट किए जाते हैं कुछ एरिया में शिमला डिस्ट्रिक्ट के। तो चार ऑप्शन गिवन है, ऑन द नेम ऑफ देयर विलेज, ऑन द नेम ऑफ हेड ऑफ द क्लैन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली एंड ऑन द मंथ ऑफ डे ऑफ बर्थ, मंथ और डे ऑफ बर्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, जो क्लैन है उसका जो हेड है उसके नाम पे जो है ये जो है सरनेम्स इस तरह के यूज किए जाते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ऑन द नेम ऑफ हेड ऑफ द क्लैन इसका जो है सही आंसर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट टर्म इज यूज्ड इन द अपर किन्नौर रीजन फॉर द नरेशन ऑफ विच इज विस्पर्ड इन द ईयर्स ऑफ डेड बॉडी बाय द लामा, ठीक है। तो ये डेथ कस्टम्स किन्नौर या जो किन्नौरा ट्राइब है, किन्नर ट्राइब में जो ऑब्जर्व किए जाते हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली देयर इज अ प्रैक्टिस इन किन्नर ट्राइब या किन्नौर में कि व्हेनेवर कोई जब मर जाता है, डेथ हो जाती है किसी की, तो लामा जो है उसको इन्वाइट किया जाता है घर पे, एंड लामा जो है जो डेड बॉडी है उसके कान में कुछ प्रेयर पढ़ता है, ठीक है। तो दैट प्रैक्टिस इज नोन एज व्हाट, तो उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं, फोआ, ऑप्शन बी दूरसा, ठीक है ना, काफरा एंड कुनियाल। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट प्रेयर इज नोन एज फोआ, PHOA, ठीक है, फोआ उसको कहा जाता है। सेम चीज जो लाहौल स्पीति में होती है, सेम प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, उसको वहां पे फुहान कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, फोआ। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड टुडे। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी, तो थैंक यू सो मच।